So the next question is, the volume of gas A is twice of gas B. Volume of A is twice of volume of gas B. पहली चीज ये है. The compressibility factor of gas A is thrice of that of gas B. Compressibility factor Z A upon Z B is thrice of, ये relation यहाँ से पता लग गया, ठीक है? That of gas B at same temperature मतलब P A बराबर P B, ठीक है? फिर बोल रहा है, the pressure of gases for equal moles, moles equal है, मतलब N A बराबर N B हो गया. अभी पूछ रहा है कि प्रेशर जो है वो क्या होगा, तो ये पी ए और पी बी में रिलेशन हमसे पूछ रहा है, ठीक है? और आंसर है इसका ये. अब मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि जब अगर मान लो मैंने कोई क्वेश्चन लिखा, तो आप क्या करें, आंसर यहाँ लिखा हुआ है, इस वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है ना? वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन ट्राई करेंगे, आंसर आपके सामने, आंसर को मैच कीजिए. अगर ये आंसर आ गया या नहीं आया तब भी आपको ये सॉल्यूशन देखना है, ठीक है? तो इससे जो है एक तरह से ऑनलाइन आपका जो भी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, इसमें हर क्वेश्चन का पैटर्न यही होगा कि क्वेश्चन लिखने के बाद हम वहाँ आंसर लिखेंगे, आप क्वेश्चन को ट्राई कीजिए वीडियो पॉज करके कॉपी पेन लेकर, और फिर आंसर को मैच कीजिए, और अगर नहीं आंसर आया तो सॉल्यूशन डिटेल में देखिए, आ गया है तब भी देखिए, ताकि हमें पता लगे कि किस मेथड से सर सोल्व कर रहे हैं. हो सकता है आप किसी और मेथड से कर रहे हो तो आपको एक और मेथड का पता चल जाएगा, ठीक है? तो साथ में सोल्व करना जरूरी है, ऑनलाइन टेस्टिंग है पर क्वेश्चन, ठीक है? तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आप सॉल्यूशन मत देखिए, पॉज कीजिए और अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है? तो वॉल्यूम ऑफ गैस इज ट्वाइस ऑफ गैस बी, ये इन्फॉर्मेशन से ये कंक्लूजन है. कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज थ्राइस ऑफ बी. सेम टेम्परेचर है टी ए बराबर टी बी. इक्वल मोल से एन ए बराबर एन बी. रिलेशन निकालना है प्रेशर ए और बी में. इधर आ जाते हैं. कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाई जेड. जेड होता है पी वी अपॉन एन आर टी. वट इज रोल ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर? इट टेल्स अबाउट द नेचर ऑफ गैस, वेदर इट इज आइडियल और रियल. अब एक्चुअली होता यह है कि अगर आइडियल गैस है तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होगा. पी वी इज इक्वल टू एन आर टी रखने पर जेड आ जाएगा वन फॉर आइडियल गैस, और यदि गैस रियल है तो पी वी नॉट इक्वल टू एन आर टी, तो जेड नॉट इक्वल टू वन मतलब रियल गैस. तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड जो है वो पी वी अपॉन एन आर टी से मैं निकाल सकता हूं. अब क्वेश्चन बोल रहा है कि जेड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का रेशियो 3:1 है. इसको मैं क्या लिख सकता हूं, पी ए वी ए अपॉन एन ए टी है, और इसको लिख सकता हूं पी वी 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 अपॉन एन वी टी वी, ठीक है? यहां से जो है ये मैंने लिख लिया, आर मैंने कैंसिल कर दिया ऑलरेडी, कि आर था यहां पे तो आर को हम कैंसिल कर चुके हैं कॉन्स्टेंट को. अब क्वेश्चन बोल रहा है कि मोल्स इक्वल तो एन ए बराबर एन वी, टेम्परेचर इक्वल तो टी ए बराबर टी वी. इसका मतलब टी ए बराबर टी वी ये चीज कैंसिल आउट हो गई, यहां से मेरे पास आ गया पी ए वी ए अपॉन पी वी टी वी वी इज इक्वल टू कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का रेशियो 3:1. वॉल्यूम के बारे में क्या बोल रहा है कि वॉल्यूम ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी बी. इसको उठा के मैंने यहां रखा, ये कितना आ गया 2/1. तो पी ए अपॉन पी बी इंटू 2 बराबर 3:1. सोल्व करने पे पी ए अपॉन पी बी इज कमिंग एज 3/2 एंड द आंसर इज 2 पी ए इज इक्वल टू 3 पी बी. ठीक, आसान क्वेश्चन था.